देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने पहली बार केजरीवाल का नाम आरोपियों से जोड़ा है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई है। ईडी के दावे पर आपने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, उन्हें किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है। जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है। उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो ये भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों नहीं है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।